बात करूंगी आपके मूलांक यानी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आए नंबर के अनुसार किस मूलांक से किस नंबर से आपके कंपैटिबल फ्रेंडली रिलेशन रहेंगे और किस से हो सकती है दुश्मनी। डेट ऑफ बर्थ आपने ऐसे ही कैलकुलेट करनी जैसे पिछली बार बताई थी, आपकी जो भी जन्म तिथि है यानी अगर 2 तारीख को आप पैदा हुए हैं तो 2 हो गया आपका मूलांक, आपका बर्थ डेट नंबर। अगर 2 डिजिट की आपकी बर्थ डेट है जैसे 10 तो उन दोनों का टोटल लेना है, यानी 1 + 0 आ गया 1, हो गया आपका मूलांक आपका बर्थ डेट नंबर। अगर 12 है तो 1 + 2 = 3 हो गया आपका मूलांक आपका बर्थ डेट नंबर। तो ऐसे कैलकुलेट करना है आपने अपना मूलांक। हमारे जीवन में हमारी किसी व्यक्ति से अच्छी निपटती है और किसी व्यक्ति से हमारी बिल्कुल नहीं निपटती है, तनाव होता है संबंधों में या झगड़े भी हो जाते हैं या दुश्मनी भी हो जाती है, ये बात तय करते हैं 3 फैक्टर्स की हमसे किसकी कितनी मिलेगी। पहला फैक्टर नंबर्स का है कि आपका मूलांक और उस व्यक्ति का मूलांक आपस में कंपैटिबल है, फ्रेंडली है या नहीं है। दूसरी बात, आपकी राशि और सामने वाले व्यक्ति की राशि आपस में कंपैटिबल है या नहीं है। और तीसरी बात, आपकी कुंडली की जो भी ग्रह स्थिति है वो ग्रह स्थिति क्या सामने वाले व्यक्ति की कुंडली की ग्रह स्थिति से मेल खाती है या नहीं खाती है। तो आज हम बात करेंगे नंबर्स की कि आपके मूलांक आपके बर्थडे के मुताबिक आए नंबर के अनुसार किस व्यक्ति से आपके अच्छे संबंध रहेंगे और किस व्यक्ति से संबंधों में होगा तनाव या होगी दुश्मनी। सबसे पहले बारी नंबर 1 की। नंबर 1 है आपका मूलांक आपके बर्थ डेट का टोटल या आपकी बर्थ डेट। तो नंबर 1, 2 और 5 बर्थ डेट वाले लोगों के साथ आपके अच्छे संबंध रहेंगे, लेकिन नंबर 8 वाले व्यक्तियों के साथ आपके अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, दुश्मनी हो सकती है। नंबर 2, अगर आपका मूलांक है 2 नंबर 2 तो 2, 3 और 1 मूलांक वाले व्यक्तियों से आपकी अच्छी निभेगी, लेकिन 8 और 9 वाले मूलांक वाले व्यक्तियों के साथ आपके अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। नंबर 3, अगर आपका मूलांक 3 है यानी आपकी बर्थ डेट 3 है या उसका टोटल 3 है तो आपकी 3, 1 और 2 वाले व्यक्तियों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, यानी जिनका बर्थ डेट 3, 1, 2 है या उनके बर्थ डेट का टोटल 3, 1, 2 है तो उनसे आपके अच्छे संबंध रहेंगे। और नंबर 5 और नंबर 6 के मूलांक के जो लोग होंगे उनसे आपकी ज्यादा नहीं निभेगी। नंबर 4 है आपका मूलांक तो 4, 7, 8 ये मूलांक वाले लोगों से आपके अच्छे संबंध रहेंगे, लेकिन नंबर 3 मूलांक से आपकी अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, दुश्मनी हो सकती है या तनाव रहेगा या अनबन रहेगा या दूरी रहेगी। बारी आती है नंबर 5 की। नंबर 5 है आपकी बर्थ डेट या आपका मूलांक या बर्थ डेट का टोटल 5 आता है तो नंबर 5, 6, 8 जो मूलांक वाले लोग हैं उनसे आपके अच्छे संबंध रहेंगे, और नंबर 9 और नंबर 7 मूलांक वाले लोगों से आपके अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, ज्यादा नहीं निभेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स उनके साथ आपकी हो सकती है। बारी आती है नंबर 6 की। 6 है आपका मूलांक आपका बर्थ डेट या आपकी बर्थ डेट का टोटल नंबर 6 आता है तो नंबर 5, 6 और 9 वाले जो मूलांक वाले लोग हैं उनसे आपके अच्छे संबंध रहने की संभावना है, लेकिन नंबर 1 और नंबर 3 मूलांक वाले लोगों से आपकी ज्यादा नहीं निभेगी। नंबर 7 है आपका मूलांक यानी बर्थ डेट या बर्थ डेट का टोटल अगर 2 डिजिट की बर्थ डेट है नंबर 7 है तो नंबर 7, 3 और 9 मूलांक वाले लोगों से आपके अच्छे संबंध रहेंगे, लेकिन नंबर 8 मूलांक वाले लोगों से अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। नंबर 8 है आपका मूलांक तो नंबर 8, 6,
फाइव मूलांक वाले लोगों से आपके अच्छे संबंध रहेंगे, गहरे संबंध रहेंगे, लेकिन नंबर वन और नंबर नाइन वाले लोगों से होगी दुश्मनी। बारी आती है आखिरी नंबर, नंबर नाइन की। नंबर नाइन है आपका मूलांक, तो नंबर नाइन, सिक्स और थ्री मूलांक वाले लोगों से आपके अच्छे संबंध रहेंगे, लेकिन नंबर एट और नंबर फाइव वाले लोगों से आपके अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, ईगो क्लैशेस भी आ सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि आपके मूलांक के हिसाब से किस मूलांक वाले लोगों से आपके अच्छे संबंध रहेंगे और किस से नहीं रहेंगे। अगर आपका मूलांक मेल नहीं खाता है जो मैंने बताया उसके हिसाब से, लेकिन आपकी राशि मेल खाती है या आपकी कुंडली की गृह स्थिति मेल खाती है, तो कहीं बीच का रास्ता निकलाएगा, यानी ना ही बहुत अच्छे संबंध होंगे ना ही बहुत ही खराब होंगे। लेकिन अगर आपका नंबर जो मैंने बताया वो भी मेल नहीं खा रहा है, राशि भी मेल नहीं खा रही है और कुंडली की गृह स्थिति भी मेल नहीं खा रही है, तो आपकी बिल्कुल नहीं निभेगी बल्कि दुश्मनी तक हो सकती है। वास्तु, फेंग शुई, टैरो, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, इन सब की जानकारी पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ।